हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ समोसा एंड पानी पूरी और खस्ता, सारी चीज़ें आज मैं बनाने वाली हूँ। सो क्या हो गया था कि पानी पूरी ये पैकेट लेके आए थे, तो मुझे बनाना था सिर्फ रगड़ा, लेकिन मैंने सोचा कि आज संडे भी है और सिर्फ रगड़ा पानी पूरी खा के पेट नहीं भरता, सो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मैदा रखा भी था। सो आधा फिर रखा रहता, कब तक वेट करो तो फिर बाद में ख़राब भी हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज बना लेती हूँ थोड़े से समोसे। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, सिर्फ 4-5 ही बनाऊँगी। सो समोसे के लिए आप पहले मैदा का आटा लगा लो अच्छी तरह से, फिर आप देख सकते हो मैं इस तरह से समोसे को फोल्ड कर रही हूँ। उसको एक गोल रोटी बेलना, बीच से काटना, उसके बाद इस तरह से मोड़ना एंड उसके बाद इस तरह से आप उसमें स्टफिंग भरना एंड स्टफिंग भरने के बाद उस पर पानी ज़रूर लगाना अच्छी तरह से। अगर आप पानी नहीं लगाओगे तो वो चिपकेगा नहीं तो वो खुल जाएगा। एंड इस तरह से आपको जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आपको फोल्ड करना है एंड अच्छे से आप उसको दबा दो ताकि निकले ना आप जब समोसा फ्राई करोगे। सो उसके बाद ऐसे ही नॉर्मली फिर आपने जो एक पट्टी लेना, फिर उसमें पानी लगाना, फिर इस तरह से मोड़ना एंड उसके बाद आप फिर से स्टफिंग भरोगे एंड उसके बाद इसी तरह से मोड़ना जिस तरह से मैं कर रही हूँ। एंड समोसे का शेप भी बहुत अच्छा आएगा और खाने में बहुत टेस्टी बना था समोसा मेरा। सो कभी होगा तो मैं इसकी फुल रेसिपी अच्छी तरह से शेयर करूँगी। सो उस दिन नहीं हो पाया, जल्दी था इसलिए। सो कभी रहेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ समोसे की रेसिपी अच्छे से शेयर करूँगी एंड समोसे मेरे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। एंड बाकी के मैंने थोड़े से खस्ते बना दिए थे एंड देख सकते हो आपने मैं बनाई थी समोसे इस तरह से, साइज़ भी कितना अच्छा है। एंड ये था मसाला आलू का और ये थोड़े से बचे थे आटा, मतलब फिर उसका मैंने क्या बनाया था तो कि खस्ता बना लिया था मैंने, क्योंकि समोसा ज़्यादा मैं और मेरे हस्बैंड ज़्यादा खाएंगे भी नहीं, 4-5 से ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, सो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। बाकी के मैंने खस्ते बना लिए थे क्योंकि खस्ता ज़्यादा दिन दूसरे दिन भी चल जाता है, अगर आप नहीं खा रहे हो तो दूसरे दिन भी चल जाता है, ख़राब नहीं होता और वैसे भी ठंडी का टाइम रहता है तो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। सो उसके बाद मैंने सबका और खस्ते बना लिए थे 2-3, ज़्यादा नहीं बनाया था और सोचा भी नहीं था कि बनाना है, इसलिए मैंने वीडियो भी ज़्यादा शूट नहीं किया, पर मैंने बनाया, बहुत टेस्टी बना था। और खटाई की चटनी बनाई थी और हरी चटनी बनाया था, पानी पूरी का मसाला बनाया था, सारी चीज़ें जो मैंने चीज़ें बनाई हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊँगी क्या क्या चीज़ें बनाई थी मैंने। सो गाइस, किसको किसको समोसा अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो समोसा शुरू से ही बचपन से ही मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जब भी मेरे पापा लेके आते थे ना तो सबसे पहले समोसा खाने मैं ही बैठती थी, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं समोसे। और जो हमारे जबलपुर के MP के जो लोग होंगे उनको पता होगा कि वहाँ के समोसे और टेस्टी रहते हैं। वैसे तो सब जगह के समोसे बहुत टेस्टी रहते हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ के, जहाँ से मेरे पापा लेकर आते हैं हमारे यहाँ का जबलपुर का। सो बस मैं मुझे वहीं के समोसे ही अच्छे लगते हैं, बाकी उसकी चटनी इतनी टेस्टी होती है ना गाइस, क्या बताऊँ। सो अब तो मुझे इतने समोसे नहीं अच्छे लगते लेकिन मेरे फेवरेट थे समोसे। अब कुछ चीज़ें रहती ना खुद से आने लगती हैं, कुछ चीज़ें बनाते बनाते पेट ही देख के भर जाता तो मन नहीं करता, पर बहुत टेस्टी बने थे समोसे खाने में भी। फिर इसका ही मैंने चाट बनाया था, सो चाट बना के खाए थे हमने। एंड यहाँ पे जो भी है ना तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाया कि मैं किस तरह से समोसा बनाई हूँ। बाकी के जितने समोसे बना रही हूँ मैं वो सारी चीज़ें बना लूँगी मैं और रख दूँगी। और गाइस, ये संडे का टाइम था और कितने बज रहे थे, दिन के बज रहे थे 2-2.5 बज रहे थे तब मैं समोसे बनाने बैठी थी, उनके आने का भी टाइम हो गया था। सो मेरे सारा संडे था तो सारा काम ही मेरा रखा था, कुछ भी काम नहीं हुए थे। सो मैंने नहाया भी नहीं था। सो ये सारे काम करने के बाद हम खाए और थक गए इतना कि नींद ही आ गई, सो गई मैं। फिर शाम को उठी, उसके बाद मैंने सारा काम किया था। फिर हम काम वाम करके फिर मैंने बोली आज संडे भी है तो मैं फिर बाबू को लेके गए थे गार्डन। फिर हम लोग गार्डन में गए, थोड़ा मस्ती वस्ती किए, यहाँ वहाँ गए, फिर वापस हम लोग घर पर आ गए थे। सो ये जो वीडियो है ये देखिए, मेरे समोसे कितने अच्छे बन के रेडी हैं, ये देखिए गाइस कितने अच्छे बने हैं। ये सारी चीज़ें थी, चटनी, रगड़ा, पानी पूरी का मसाला, चटनी, हरी चटनी, सारी चीज़ें बनाए थे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।